गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस एकेडमी। चलिए गाइज, आज से हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करते हैं और आज हम लोग असाइनमेंट में एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 बोर्ड बेसिस पे है, वो चीज़ें आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, थेरेटिकल चीज़ है वो। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील करेंगे जो कि नीट पैटर्न का है। और एक्सरसाइज 2 में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 4 है और एक्सरसाइज 5 तक आप लोगों को असाइनमेंट मिल रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अ करंट आई फ्लोज इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर, द रिजल्टिंग मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी इज। पहले तो एक फोटो बना लेते हैं, फोटो क्या है ये अच्छे से वॉच करते हैं। इस तरह का एक सिस्टम दी गई है, पूरा 2A साइड है इसका और ये पूरा स्क्वायर तो नहीं है, राइट, बट इसे इस तरह से लाया गया है, यानी ये A है और ये A है, इस तरह से है। और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मेंशन करी गई है, तो ये भी A हो जाएगा, राइट। चलिए अब P जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब अगर आप अच्छे से वाच करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें इस वायर को भी देखना पड़ेगा, इस वायर को भी देखना पड़ेगा, इसको 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 इसको, राइट, बहुत सारे वायर हैं। तो अगर हम अच्छे से देखें तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी होगी, ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस साइड में अगर पॉइंट होता तो आउट होता, लेकिन ये तो बैक साइड में है, यानी इन, इस वाले वायर की वजह से इन होगी और इस वाले वायर की वजह से इन। लेकिन जैसा सिस्टम ये है वैसा ही सिस्टम है, क्योंकि आप देख सकते हो ये यहाँ से ये वाली इंड 45 डिग्री बना रही है और दूसरी इंड 0 डिग्री एंगल। इसके लिए भी वही बातें हैं, एक इंड कितने डिग्री एंगल बना रही है, 45 डिग्री, और दूसरा इंड 0 डिग्री, ठीक है, आपको पता है ना ये चीज, यानी ये अल्फा होती है और ये बीटा। अगर एक इंड पे ही पॉइंट हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगी, एक एंगल बनेगी और एक एंगल क्या हो जाएगी, 0 डिग्री होगी। वैसा ही कुछ सिस्टम है यहाँ पे। तो इन दोनों का अगर इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, इसको थर्ड मान ले, फोर मान ले, फाइव मान ले और सिक्स मान ले, तो फर्स्ट और सेकेंड की वजह से सेम ही होगी। और वो होगी कितनी, आपको पता है, म्यू नॉट आई बाई 4πr, आर का मतलब डिस्टेंस, यानी डायरेक्ट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसके वजह से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही है और इसके वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही है। और यहाँ पे साइन 0 एंड साइन 45 डिग्री, राइट। सो फाइनली क्या हम देख पा रहे हैं, 4√2πa, बिकॉज 0 और 1/√2 तो नीचे आ जाएगा, तो ये b1 b2 इक्वल है, राइट। इसके वजह से होगा नहीं, इसके वजह से होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, वो आपको पता है, बिकॉज इंड पे है ना, इंड पे है, एक ही इंड पे अगर कोई भी पॉइंट होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एंगल 0 डिग्री। इसके वजह से और इसके वजह से, देखिए ध्यान से, अगर मैं ऐसे पकड़ूँ तो आउट, पी पे आउट हो रही है और इसको पकड़ूँ तो आउट, जैसा ये छोटा छोटा वाला है वैसा ही बड़ा वाला है, एग्जैक्टली वैसा ही है। और इसको भी अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये वाली एंगल 45 डिग्री ही बना रही है, ठीक है, और एक इंड अभी भी 0, तो जैसे ये है वैसे, बस फर्क इतना सा है इसमें, फर्क इतना सा है इसमें कि इसमें यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो ए ए की जगह पर क्या होगा, 2a हो जाएगा। तो अगर अच्छे से देखें तो b4 और b5 दोनों का वैल्यू इक्वल है, और अच्छे से देखें तो ये इस इनवर्ड थी ना, ये इनवर्ड थी, ये देखना जरूरी है, ये इनवर्ड थी, और b4 b5 की वजह से आउटवर्ड होती, राइट, और ये सेम ही होगी, म्यू नॉट आई बाई 4πa की जगह पर यहाँ 2a हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a है, एंड साइन 0 प्लस साइन 45 डिग्री। सो फाइनली 4√2πa एंड दिस इज आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, देख सकते हो, ऐसे पकड़ते हैं आउटवर्ड। अब नेट फील्ड कैसे निकालेंगे, पता है आपको, इन दोनों की वजह से ऐड कर लेंगे, ठीक है, अभी सिंगल का है, ये सिंगल निकाला है, तो क्या हो जाएगा, कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, दिखाई दे रहा है, नीचे 8√2π से डिवाइड कर रहे हो और नीचे 4√2π से डिवाइड करो, कम से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली बात है। सो 2 टाइम्स ऑफ
म्यू नॉट आई बाई टू टाइम्स क्यू, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे दो दो है, अभी तो सिंगल का वैल्यू निकाला ना, ये इनवर्ट होगी तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा दिस आउटवर्ट को, तो टू टाइम्स राइट। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, अगर एलसीएम लीजिएगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 8 रूट 2 ऊपर से देखोगे तो 2 एंड रूट 2, यस 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, 2 ही दिखता है राइट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू अ रीजन कंटेनिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी होना चाहिए, यहाँ पे 2 गलती से हो गया है, along x axis and y axis respectively. If it passes the region undeviated, the velocity of charge particle is given by. ये चीज़ें आपको बताई गई थी velocity selector में। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जगह पर फेंकते हैं और उसमें कोई डेविएशन नहीं है, इसका मतलब है कि उसको एक पर्टिकुलर तरीके से फेंका गया होगा, और यहाँ क्वेश्चन में ये बात क्लियर है कि x एक्सिस और y एक्सिस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो x और y, तो आपको याद होगा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे, याद होगा आपको, यानी k के डायरेक्शन में फेंका जाएगा। तो पहली बात कि जो भी ऑप्शन है उसमें दो ऑप्शन ऐसा है जो k के डायरेक्शन में है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग बना लेते हैं एक बार, तभी आपको फील आएगी, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x में है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x में है राइट, तो ऐसा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग x में दे लेते हैं, ये x है, और मैग्नेटिक फील्ड y में है, x y ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट। तो हम कैसे फेंकें, है ना, z, अब z के अंदर फेंकें या z से बाहर फेंकें, ये भी देखने वाली चीज है, देखिए ध्यान से सब लोग अच्छे से समझे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, अच्छे से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, अगर चार्ज पार्टिकल मैं यहाँ पे रख दूँ, मोशन करूँ चाहे जो भी कुछ हो, तो फोर्स इस पर इस साइड में लगेगी, अगर इस पर फोर्स इस साइड में लग जाए तभी तो ये डेविएट नहीं करेगी। तो देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, अगर मैं इसको प्लस जेड में फेंकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, प्लस जेड में फेंकता हूँ तो फोर्स किधर लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह से आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अंगूठा मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज को मैं प्लस जेड में, एक्स वाई तो जेड प्लस ऊपर ही होगी, एक्स वाई जेड प्लस ऊपर होगी, अंदर की तरफ माइनस जेड होगी, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और फेंक रहे हो अंगूठे के डायरेक्शन में, तो उस पर फोर्स इस साइड में लगेगी, इज इट क्लियर, मतलब एक्स के जस्ट अपोजिट लगेगी, ऐसे फोर्स लगेगी एफ मैग्नेटिक क्यू बी भी, क्लियर है, 90 डिग्री पर, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर बाई द वे गलती से भी अगर आप माइनस जेड में फेंक रहे हो, तो फील्ड ऊपर माइनस जेड में फेंक रहे हो तो फोर्स इधर, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इधर और मैग्नेटिक फोर्स भी इधर, जबरदस्त तरीके से डेविएट कर जाएगी, क्लियर है। तो किधर फेंकना चाहिए, प्लस जेड के डायरेक्शन में, और आपको पता है किस वेलोसिटी से, तो इसके लिए या तो आप डेराइव कर लो, और अगर डेराइव नहीं करना चाहते हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, ये चीज़ हमने आपको बता रखा था, अगर वेक्टर फॉर्म में हम इस चीज़ को लिखें तो E बाई बी प्लस जेड या माइनस जेड, प्लस जेड मतलब के कैप, सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट I इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल 45 डिग्री, इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बेंडिंग एज शोन इन फिगर इज इक्वल। जैसा अगर आप फोटो को देख पा रहे हैं अच्छे से, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है और इनफाइनाइट लेंथ का है, नो डाउट, काफ़ी बड़ा है ये, और ऐसे बेंड कर दिया गया है और पॉइंट जस्ट यहाँ पे ली गई है, यहाँ पे, थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, सिंपली ऐसा है आई करेंट और ये 45 डिग्री, इस तरह से ये आर है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले वायर की वजह से तो होगा नहीं, बिकॉज इस वाले वायर की वजह से सीधे एक एंड पे है, तो यहां पे इंटेंसिटी होने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, इसके वजह से इंटेंसिटी हो सकती है, अब इसके वजह से इंटेंसिटी होगी तो कितनी होगी, इसके वजह से इंटेंसिटी होगी तो कितनी होगी, तो उसको देखने के लिए थोड़ा एक कंसेप्ट आपको मैंने बताया था कि अगर कोई वायर हो
और पॉइंट अगर इस लाइन के एंड पे ऐसे इस तरह से नहीं हो बल्कि कहीं और हो, इस तरह से किसी एंगल पे हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक एंड को थोड़ा बढ़ाते हैं आगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज्यूम करते हैं और यहाँ से ये लास्ट वाले एंड को बीटा बोलते हैं और इस साइड वाले एंड को अल्फा बोलते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है, अगर आपको अच्छे से याद हो, साइन जो बड़ा वाला एंगल होता है पहले लिखते हैं और फिर छोटा वाला एंगल को इस तरह से माइनस करते हैं। माइनस यहाँ होता है, राइट, प्लस नहीं होता। अगर यहाँ पे कहीं है, बीच में है, तो फिर ये अल्फा और ये बीटा दोनों प्लस होता है। यहाँ वही सिचुएशन है, यानी इस दोनों एंड के बीच में तो कहीं पॉइंट नहीं है, ये कहीं इससे बाहर हो गया। तो बाहर हो गया तो सबसे पहले इस एंड को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा लिया, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, राइट। और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, ये स्मॉलर है, राइट। तो ये 45 डिग्री है, अगर मैं इसमें साइन 45 डिग्री यूज कर लूँ तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, सो 1/√2 इक्वल स्मॉल आर बाई रूट टू। क्लियर है, बहुत ही सिंपल निकल गया। अब फॉर्मूला निकालना है। अब देखिए ध्यान से, ये इंड यहाँ से कितनी एंगल पर है, 45 डिग्री पे, और लास्ट वाली इंड कहाँ पे जाएगी, ये 90 डिग्री के आसपास, बिल्कुल काफ़ी बड़ा है तो 90 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पे अल्फा की मैं बात करूँ, बड़े एंगल की बात करूँ तो वो 90 डिग्री, और छोटे एंगल की बात करूँ तो दिस इज 45 डिग्री। सो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर करते हैं। यहाँ पे साइन 90 और साइन 45 डिग्री, स्मॉल आर के जगह पर आर बाई रूट टू, साइन 91 वन बाई रूट टू, रूट टू और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा 1/√2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो भी आंसर होगा आप टिक कर लेंगे, शायद 1 ही है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो इसमें एक वायर है जो कि वंस अगेन इनफाइनाइट लेंथ की है और ये भी क्या है, बेंट फॉर्म में है और अल्फा एंगल बना रही है, इस तरह से है सिचुएशन, और ये अल्फा एंगल बना रही है, राइट। तो हमसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली बीच में यहां पे, राइट, यहां पे पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, राइट, और स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये करंट आई है, राइट। टू वायर्स AO एंड OC कैरी इक्वल करंट I as shown in figure. One end of both the wire extends to infinity. Angle AOC is alpha. The magnitude of magnetic field at a point P on the bisector of these two wires at a distance small r from O. ठीक, देखिए सबसे पहली बात कि ये वाली इंड कितनी बनाएगी, अल्फा बाई टू, और ये वाली भी अल्फा बाई टू। कभी कभी हम लोग ये वाले एंड से भी फॉर्मूला बनाए थे, याद होगा, ये वाला थीटा वन हो, ये वाला थीटा टू हो, तो अगर ये वाले एंगल से अगर आप काम करना चाहते हो तो वहाँ पे कॉस यूज करते हैं, याद होगा आपको, कॉस, और ये वाला यूज करते हैं तो साइन यूज करते हैं। अब ये चूंकि इन्फानाइट है तो अगर आप ध्यान से देखें, इन्फानाइट पर चली जाएगी तो ये एंगल धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, सोचिए, तो ये जो बीटा हो जाएगी ये टेंडिंग टू जीरो डिग्री, राइट। सिमिलर केस यहाँ भी है, अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट होगी और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट होगी, तो एक का निकाल लें और दो से मल्टीप्लाई कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं बी निकालता हूँ इसका, सो म्यू नॉट आई बाई 4πr, राइट, आर इज वॉट, दिस आर इज नॉट आर, आर इज बेसिकली दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और ये स्मॉल आर है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, सो कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस जीरो डिग्री, राइट ना, टू टाइम्स कर लो टोटल निकालने के लिए, राइट। एंड यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करें, एक्स हमें चाहिए होगा और ये आर है और ये 90 डिग्री है, तो हमें एक्स निकालने के लिए साइन यूज करना पड़ेगा, तो साइन अल्फा बाई टू इज वॉट,
एक्स बाई आर, सो एक्स हो जाएगा आर साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई, और एक्स की जगह पर आर साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस वन, राइट। ये हो गया बी नेट। या तो हम इसे ऐसे ही छोड़ दें या फिर इसको हम सिस्टमेटिक कर ले फॉर्मूला वगैरह यूज करके, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कैसे है। अगर ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे है तो चलिए ठीक है, और आई थिंक ऑप्शन ऐसे ही है, थर्ड नंबर जो है वही राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव लगाते हैं। अ वायर कैरिंग अ करेंट आई इज शेप्ड एज शोन, सेक्शन ए बी इज अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर, द मैग्नेटिक फील्ड एट सी इज डायरेक्टेड। कुछ भी खास नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्शन की बात करिए, तो आप ऐसे पकड़ लो, इस तरह से सिचुएशन है तो आप इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, राइट। तो इधर होती पॉइंट तो आउट, और इधर होती तो इनवर्ट, तो जस्ट इनवर्ट होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इन टू द पेपर। दिस इज क्वाइट इजी। अब आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द ओरिजिन इन द फिगर शोन एज, एक फिगर दी गई है, अगर उसको अच्छे से विजुलाइज करें तो वाई एक्सिस है ये और इसमें करंट ऐसे गई है, ये इनफाइनाइट वायर होगी, स्ट्रेट वायर है, यहाँ से आई करंट जा रही है, फिर उसके बाद ऐसे चली गई, फिर उसके बाद ऐसे चली गई, फिर ऊपर चली गई, और फिर यहाँ पे सर्कल हो करके इस तरह से आ गई, और इस तरह से ऐसे, और ये ऐसे चली गई, और ये जेड एक्सिस है, राइट। ये एक्स है, ये वाई है। अब इसमें एक दो कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को, एक दो कन्फ्यूज़न ये होगा कि ये जो ऐसे गई है ये किधर गई है, एक्चुअली में कोई एंगल वगैरह उन्होंने नहीं दे रखा है। तो अगर आप अच्छे से वाच करें तो जेड ऊपर है ना, ऐसे जेड ऐसे है, ऐसे जेड है, तो दरअसल ये जेड के डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, पैरेलल दिखाने का यही मतलब है कि ये जेड के डायरेक्शन में है। तो रियल लाइफ की मैं बात करूँ, रियल प्रैक्टिस में अगर इस क्वेश्चन को विजुलाइज करें तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। जैसे ये एक्स और वाई प्लेन है, ये सारी वायर्स जैसे दिख रही वैसे ही है, जैसे प्लेन में है। अब ये यहाँ से ऐसे चली गई, कैसे चली गई, जस्ट ऐसे, जस्ट फील इट, ऐसे चली गई। एक ही वायर को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, लास्ट वाले वायर को ऐसे, ठीक है। चलिए देखेंगे एक एक वायर का पहले निकालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें कहाँ पर निकालनी है, ओरिजिन पर निकालनी है। अब इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं होगा, इसके वजह से तो होगा नहीं, इसके वजह से तो होगा नहीं बिल्कुल, इसके वजह से तो होगा नहीं बिल्कुल, हाँ इसके वजह से भी नहीं होगा बिकॉज इसके सामने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके वजह से होगा बिकॉज आप सोच सकते हो कि एक वायर ऐसे चली गई है और यहाँ पे पूछा गया, तो सिंपल इसके वजह से तो होगी, डेफिनेटली होगी। और इसका एक ही एंड है यहाँ पे, ये समझना है कि एक ही एंड है बस, लास्ट एंड है, मतलब ये वाला सिचुएशन हो गया कि अगर कोई वायर है ऐसे और उसके एक एंड पे आप हो गए ऐसे, ये वाली सिचुएशन इस वाले केस में होगी। अब ये डिस्टेंस कितनी है वो क्वेश्चन में मेंशन जरूर होनी चाहिए थी, मेंशन तो नहीं है बट हम लोग आर लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा टूर है तो ये हम लोग आर लेकर ही चलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बनाने की कोशिश करते हैं फटाफट। इसके वजह से डेफिनेटली होगी, इसके वजह से डेफिनेटली होगी, किधर होगी वो देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे पकड़े या फिर ऐसे पकड़े, जैसे पकड़े, ऐसे पकड़े तो बाहर की तरफ, राइट बाहर की तरफ, और ऐसे पकड़े तो देखिए बाहर की तरफ, ठीक है। और इसके वजह से किधर होगी वो हम देख लेंगे, क्योंकि प्लेन में है गाइस, प्लेन में, तो पहले इन दोनों के वजह से निकाल लेते हैं, वन के वजह से होगा, टू के वजह से होगा, और इस थ्री के वजह से होगा, बट इसके वजह से चूंकि एक लाइन में है ना, तो इसके वजह से बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए पहले बी वन का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर, जो रेडियस होती है आर, इंटू जो एंगल फाई, याद होगा, और फाई क्या बन रही है, पाई बाई टू, सो म्यू नॉट आई बाई एट आर। और ये किस डायरेक्शन में हो रही है, ऐसे पकड़े तो किस डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड प्लस के, उसी तरह से मैं बी टू की बात करूं, सो म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर की जगह पर टू आर होगा, राइट, एंड एंगल, ये एंगल वंस अगेन पाई बाई टू,
पाई से पाई कैंसिल, सो 2 2 जा 4 4 जा 16 आर राइट, ये भी के में होगी नो डाउट, प्लस के में ही होगी। तो हमने बी वन और बी टू निकाल लिया। अब इसके वजह से, स्टेट के वजह से देखिए, तो इसको समझने के लिए एक अलग से फोटो में बनाता हूं, जस्ट यही फोटो में रहने देता हूं और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। क्या यहां से आर दूरी पर है? बिल्कुल। और क्या इसमें करंट आउटसाइड ऐसे बढ़ रही है? ऐसे। और मेरे को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है गाइस, समझ रहे हो? अब देखिए, करंट इसमें बाहर की तरफ है, करंट इसमें बाहर की तरफ है, तो इस तरह से लाइन होगी। लाइन कैसे होगी? जस्ट इस तरीके से होगी, जस्ट ये इस तरीके से होगी, लाइन जस्ट ऊपर होगी, क्लियर है? ऊपर होगी। और कितनी होगी? यहां से यहां अगर आर है और इसमें करंट अगर आई ही है, राइट, और ये एक ही इंड है, ध्यान इस बात का रखना है कि इनफाइनाइट लेंथ है जरूर, लेकिन इंड एक है, हम लोग लास्ट इंड पे हैं, ठीक। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक थर्ड की वजह से जो होगी वो होगी म्यू नॉट आई बाई, याद होगा आपको एक ही इंड पे होती है, तो 4πr डायरेक्ट आर सिंपली। बट इसकी डायरेक्शन किधर है वो समझना बड़ा जरूरी है। ये वाई के डायरेक्शन में है यानी प्लस जे। तो फाइनल बी अगर मैं नेट निकालूं, सो वो सबको ऐड करना पड़ेगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई बाई 8r, म्यू नॉट आई बाई 16r, दिस इज के, और म्यू नॉट आई बाई 4πJ, राइट, 16 2 3 3 म्यू नॉट आई बाई 16r के कैप और म्यू नॉट आई बाई 4πRJ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही है, 3 म्यू नॉट आई बाई 16r के कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 4πRJ। खूब क्लियर है गाइस? अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखें तो अगर मैं कुछ कॉमन लेता हूं तो शायद बात बन जाएगी। अगर मैं म्यू नॉट आई बाई 4r कॉमन ले लूं, राइट, तो यहां पे 3/4 के कैप और यहां पे बनेगा, अगर ध्यान से देखें तो पाई नीचे है, जे कैप। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, शायद फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों का बन गया होगा। आइए 7 नंबर देखते हैं। 3 रिंग्स ईच हैविंग इक्वल रेडियस आर प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईच हैविंग इट्स सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इफ करंट आई फ्लोज थ्रू ईच रिंग देन मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। अब 3 रिंग है और तीनों को इस तरीके से रखा गया है कि तीनों का सेंटर एक ही साथ है। थोड़ा इसको फील करने की जरूरत है, आप थोड़ा सा फील करो ऐसे। देखो हमारे पास एक रिंग ऐसे है, ये तो समझ में आ रही है। अब एक रिंग सामने ऐसे दिख रही है, आपको सामने उसका प्लेन दिख रहा है ऐसे, और एक जस्ट ऐसे दिख रही है ऐसे, इस तरह से, क्लियर है? एक जस्ट ऐसे, ठीक। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, एक ऐसे और एक जस्ट ऐसे, ठीक है। यहां तक में तो कोई इशू ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इस चीज को फील करिए आप। सबसे पहले तो एक इस तरह से मान लीजिए आप, ठीक है, आपको अलग अलग तरीके समझना चाहिए। एक ऐसे समझ लीजिए, ये एक प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन ऊपर चलेगी, और एक ऐसे समझ लेना है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ तक तो ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक। अब इन दोनों के भी परपेंडिकुलर चाहिए एक, सोचिए। तो अगर मैं एक इस तरीके से सोचूं, इस तरीके से सोचूं, सोचिए ऐसे, एक ऐसे इस तरह से हो गया और एक ऐसे हो गया, ठीक है, और एक इस तरीके से, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो अच्छे से? जस्ट फील इट, आप करके देख सकते हो, फोटो में ऐसे बनाई गई है, उससे भी फील कर सकते हो आप। देखो फोटो में क्या है, एक इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा और एक इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा, और एक सीधे ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से फील करें, ठीक है, अगर फोटो को अच्छे से फील करने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसमें इसके पहले 1 2 और 3, ठीक है, इसके तीनों के वजह से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके वजह से क्या होगी, इसके वजह से क्या होगी और किधर होगी, पहले ये देख लेते हैं किधर होगी और क्या होगी। तो अगर मैं इसके वजह से निकालूं, सबके वजह से सेम ही होगी,
कोई डाउट नहीं, सेंटर पे तो सबकी वजह से सेम ही होगी, बी ही होगी नो डाउट। और बी एक की वजह से निकालते हैं, वो आपको पता है म्यू नॉट आई बाई टू आर होती है, ठीक है, एक की वजह से। तो अगर मैं दो की वजह से निकालूं जो कि 90 डिग्री पे है, इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इसके वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे समझ पा रहे हो? एक की वजह से ऐसे, देखो इसके मतलब इसके वजह से अगर ऐसे हो रही है करंट, तो इसके वजह से इधर होगी, और नीचे वाला की वजह से ऊपर परपेंडिकुलर, और पूरा ऐसे जो दिखाई दे रही है इस तरीके से ऐसे, तो तीन फील्ड हो गई, एक ऐसे और ऐसे। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आप बहुत आसानी से सोच पाओगे, एक बी आई कैप हो रही है, एक बी जे कैप हो रही है, और एक बी कैप कैप हो रही है। सिंपल सी बात है, तीनों डायरेक्शन में है। तो अगर मैं बी नेट निकालूं, अगर वैल्यूज बाई बात करूं, तो रूट अंडर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सो थ्री बी स्क्वायर, सो रूट थ्री टाइम्स ऑफ बी, और रूट थ्री टाइम्स ऑफ बी आपको पता है म्यू नॉट आई बाई टू आर। तो ये आंसर अपना हो जाएगा, यस टू इज द राइट आंसर, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू इनफाइनाइट प्लेट कैरी जे एम्पियर ऑफ करंट आउट ऑफ द पेज पर यूनिट विड्थ ऑफ द प्लेट एज शोन, बीपी एंड बीक्यू रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, राइट? तो आपसे पूछा गया है कि भाई क्या होगा इसमें, ऑप्शन क्या होगा, है ना? करंट अगर जे है, ठीक है, और इनफाइनाइट है, और इसमें जो शीट है ना, शीट है, आप अच्छे से वाच करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ना, करंट जो फ्लो कर रही है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, ठीक है, जो प्लेन पेज की जो प्लेन है उसे आउट फ्लो कर रही है इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से, इस तरीके से, बहुत अच्छे। और ये बोला गया है कि आप बताएं कि Q पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। डिस्टेंस तो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हाँ P पर अगर बात करें तो इसके वजह से जितनी फील्ड होगी, अगर ध्यान से देखें, अगर करंट ऊपर है तो इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स बनेगी, है ना? तो लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से अगर बनाते हैं तो इस साइड में, ठीक है, और इसके वजह से इस साइड में बनेगी ऐसे, तो इसके वजह से फील्ड अगर इधर हो रही है तो इसके वजह से फील्ड इस साइड में होगी, सो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो पी पे जो फील्ड होगी डेफिनेटली जीरो हो जाएगी, इसमें तो कहीं कोई शक की बात ही नहीं है, ठीक है? तो सिंगल करेक्ट है, तो अगर एक ही ऑप्शन है तो उसी से हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। क्यू पर तो नहीं होगी बिल्कुल, क्यू पर तो दोनों डायरेक्शन की वजह से एड अप हो जाएगी, बट उसके लिए कोई प्रॉपर डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए पहले इस सब चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एरिया के बारे में बात हो रही है। और सिंपल सी बात है कि एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर पाथ होगी अगर परपेंडिकुलर फेंक रहे हो तो पाई आर स्क्वायर यानी कि जो एरिया होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगी, और रेडियस की बात करें तो ये क्या होती है, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे एम वी मतलब लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग चाहें तो टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से भी हम लोग लिख पाते हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाई टू एम, तो पी की जगह पर हम टू एम के का रूट अंडर जरूर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एरिया है, अगर एरिया तो होगी पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगी, सॉरी गाइस। तो अगर पाई आर स्क्वायर की मैं बात करूँ सो पाई टू एम के बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी अगर देखा जाए अच्छे से तो एरिया जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होती है, क्लियर है? मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होगी, क्यों नहीं सोचो, क्योंकि अगर अच्छे से बात करो तो मोमेंटम नहीं है इसमें, है ना? अगर मैं स्क्वेयर करता इसमें, अगर स्क्वेयर करता तो मोमेंटम का क्या होता है, स्क्वेयर हो जाता, इज इट क्लियर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज बी समथिंग एंड उसकी जो एक्सेलरेशन मेंशन है और एक्स की वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है। आपको पता है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड also perpendicular to the velocity. So
बी अगर अवेलेबल है तो बी के साथ फोर्स का आप डॉट कर लो, और जिधर फोर्स होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगी, तो नो डाउट एक्सेलरेशन के साथ भी बी का डॉट कर लो तब भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद से भी कर सकते थे। ये रहा, तो ए डॉट बी विल बी जीरो, तो यहां से देखें तो 2x प्लस 3 माइनस 4 विल बी जीरो, सो x विल बी 1/2, 0.5 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ यूनिट मास एंड यूनिट चार्ज मूव्स विथ वेलोसिटी v इक्वल्स 8i प्लस 6j, यानी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स 2k टेस्ला, मतलब समझ रहे हो एक्स वाई प्लेन में हमने फेंका है लेकिन फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी परपेंडिकुलर ही फेंक रहे हैं हम, एक्स वाई प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। तो हमने चार्ज पार्टिकल को कैसे फेंका है, जस्ट परपेंडिकुलर, बहुत ही सिंपल है। चूज द रॉन्ग अल्टरनेटिव, मतलब रॉन्ग ऑप्शन चूज करनी है। चलिए इसको पहले एक बार बना लेते हैं फटाफट। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और प्लस जेड में फील्ड है, अगर अच्छे से बात करें तो प्लस जेड में, मतलब अगर मैं इस पर बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा होगा, कुछ आउट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट क्या है, आउट। और हमने कैसे फेंकने की कोशिश करी है, 8 4, यानी 8 एक्स पे है और ऐसे कुछ इस साइड में फेंका गया है, राइट, इस तरीके से स्टार्टिंग, इस तरीके से। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, राइट, समझ रहे हो, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, एंड विच इज फाइनली 10 आ जाएगा, बिकॉज 100 का रूट अंडर 10, ऑब्वियसली बात है। और ये फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर फेंक रहे हो, तो पाथ कैसी होगी, सर्कुलर होगी, नो डाउट। और पाथ किस साइड में सर्कुलर लेगी तो भी हम चाहे तो बता सकते हैं, वेलोसिटी ऐसे, फील्ड ऐसे, इस तरीके से फोर्स लगेगा, इस तरीके से फोर्स लगेगा, तो इस तरीके से ये ऐसे घूमेगी और इस तरह से गोल पाथ ऐसे बना लेगी, क्लियर। पाथ ऑफ द पार्टिकल मे बी, अच्छा ये यहां पे ना इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि पाथ इनका कैसा हो सकता है, मे बी बोला गया है, मतलब ये पाथ सर्कुलर के बारे में बात बोली जा रही है, तो कौन सा रॉन्ग अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। तो अगर आपको रेडियस निकालनी है, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इसको, क्योंकि इसमें ये चीज मेंशन नहीं है, केवल वेलोसिटी दिया गया है चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में भी यूनिट मास और यूनिट चार्ज दिया गया है, लेकिन इसमें यह मेंशन नहीं है कि यह पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, यस ये कहीं इसमें मेंशन नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो गाइस इसमें समझने की चीज है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जरूर इधर मूव कर जाएगा, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, अगर नेगेटिव हो गया तो जस्ट उल्टी डायरेक्शन में यह मूव कर जाएगा, क्लियर है, उल्टी डायरेक्शन में यह मूव कर जाएगा। तो इसकी जो सेंटर होगी है ना, वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर होगी, तो इसकी सेंटर इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी, या तो इसकी सेंटर इधर एग्जिस्ट करेगी या तो इस सेंटर इधर एग्जिस्ट करेगी, क्लियर है, या तो सेंटर इसके इधर एग्जिस्ट करेगी या तो इधर एग्जिस्ट करेगी, इधर तो कभी एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि सेंटर या तो इधर एग्जिस्ट करेगी या फिर इधर एग्जिस्ट करेगी, परपेंडिकुलर अगर मूव कर रही है तो, ठीक है। और अब इस लाइन में वो कहीं भी हो सकती है ना, इस लाइन में वो कहीं भी हो सकती है। अब ये भी क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि पार्टिकल को हमेशा ओरिजिन से फेंका गया, ये भी कहीं से कोई क्लियर बातें बोली नहीं गई है, कहीं से बोला नहीं गया है कि पार्टिकल को कहां से फेंका गया है। हाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन जरूर ये मेंशन है, तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी, एम वी बाई क्यू वी, एम ये और वेलोसिटी 10 और बी की जहां तक बात है तो 2 यानी 5, तो रेडियस 5 यूनिट हो रही है, रेडियस कितनी यूनिट हो रही है, 5 यूनिट हो रही है। और इसकी सर्कल जब भी बनेगी तो वो एक्स वाई प्लेन पे ही बनेगी, जब भी बनेगी तो एक्स वाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, बस 5 मीटर का होना चाहिए सर्कल का। अगर आपको इक्वेशन मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, इस रूप में सर्कल का इक्वेशन होता है। अगर सेंटर उसका अल्फा और बीटा है, अगर सेंटर उसका अगर ओरिजिन हो गया 0 0 हो गया, तो वैसे केस में इक्वेशन इस तरह से सिंपल आता है, सिंपल आ गया ये तो, लेकिन होगी x और y प्लेन में ही सर्कल, ये तो कन्फर्म है, होगी तो x y प्लेन में। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर अच्छे से बात करें,
तो पाथ ऑफ द पार्टिकल मे बी, अब पहले ऑप्शंस पे बात करें क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग को पहले देखना पड़ेगा इस पैटर्न में कन्वर्ट करके कि क्या उसकी रेडियस 5 आ रही है। सो लेट्स टेक इट, सो माइनस 4x और प्लस में 4 कर लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस में प्लस 4 जानबूझ के किया हूं और प्लस में 4 किया तो यहां पे माइनस 25 करना पड़ेगा ताकि मैनेज हो जाए। तो इसको मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं यहां से यहां तक को, और इसको y स्क्वायर रहने देता हूं और इस साइड में 25। अगर आप खूब अच्छे से वाच करें तो यहां आपको वो चीज़ नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। तो इसकी रेडियस क्या आ रही है, 5। तो ये पॉसिबल है, राइट। और एक और इक्वेशन है, बी वाला ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25, बिल्कुल ये पॉसिबल है, दिस इज 5 स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5। स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पाथ ऑफ द पार्टिकल मे बी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल फर्स्ट हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, लेकिन थर्ड कभी नहीं हो सकती, बिकॉज एक वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सर्कल तो है लेकिन वो वाई जेड प्लेन में है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पार्टिकल हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही सर्कुलर पाथ बना रही होगी। फोर्थ की बात करें, द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल विल बी 3.14 सेकेंड। टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी कुछ खास है नहीं, 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो 2 पाई एम 1 है, चार्ज 1 है और ये 2 है, तो यानी पाई सेकेंड, पाई का मतलब ही होता है 3.14 सेकेंड, सो ये बिल्कुल सही है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग ऑप्शन थर्ड हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए चार्ज्ड पार्टिकल इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, द फील्ड एग्जिस्ट ओनली फॉर ए लेंथ इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल विल गेट डेविएटेड। ऐसे सवाल भी आपको कराई गई थी, मतलब एक पार्टिकल जरूर परपेंडिकुलरली इंटर कर रही है लेकिन जितनी रेडियस होनी चाहिए उसकी हाफ ही इसकी विड्थ है, याद होगा इस तरह के सवाल हमने आपको कराया था। अब एंगल ऑफ डेविएशन की बात हो रही है, ऐसे परपेंडिकुलर हमने फेंका, अब ऐसे जाएगी पूरा सर्कल पूरा नहीं कर पाएगी बिकॉज है नहीं उतना अवेलेबल, तो इस तरीके से जाएगी आगे बढ़ती, यहाँ पे जाकर निकल जाएगी, तो यहाँ पे ये वाली एंगल हमें निकालना होगा। तो अगर जैसे ये इस वेलोसिटी से आगे बढ़ी, ठीक है, तो सेंटर इसका कहीं ना कहीं इधर होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर कहीं से भी वेलोसिटी की हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी रेडियस, इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं, ये आर है, ये आर है। तो हमसे पूछा गया है एंगल ऑफ डेविएशन थीटा पूछा गया है, बहुत ही सिंपल बात है, ये आर है और ये पूरी विड्थ आर बाई टू है, राइट। तो अगर मैं ये थीटा, ये अल्फा निकालने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे मैं अगर साइन अल्फा यूज कर लूं, तो साइन अल्फा विल बी आर बाई टू बाई आर विच इज 1/2, सो अल्फा विल बी 30 डिग्री। अब अल्फा 30 हो गई, ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगी 60, बिल्कुल ये 60, तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/30, तो ये कितनी हो जाएगी, फिर से 60, बिकॉज ये सब दोनों 90 डिग्री, तो ये कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो साफ क्लियर है कि थीटा भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर डेविएट कर जाएगी, मतलब वेलोसिटी ओरिजिनल वेलोसिटी के साथ कितनी एंगल बना रही है, तो ओरिजिनल वेलोसिटी ऐसे थी और बाद में वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो ओरिजिनल वेलोसिटी के साथ ये 30 डिग्री बना रही है। तो इस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सवाल हम लोगों ने बना रखा है इस टाइप का, वहाँ पे एंगल कुछ मैंने मेंशन किया हुआ था और यहाँ पे एंगल थीटा दिया गया है। ए पार्टिकल, फिर भी इसको कर लेते हैं हम लोग, ए पार्टिकल विथ चार्ज क्यू एंड मास एम इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी एग्जिस्टिंग ओनली टू द राइट ऑफ द बाउंड्री वाई जेड, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, लेट टी इक्वल्स 2πm/3b, होता ही है, द टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन द फील्ड विल बी, ये चीज भी मैंने आपको बता रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड कुछ इस तरीके की है, फील्ड जस्ट इनसाइड है और ऐसे फेंका गया है और थीटा यहां से बनाया गया है, राइट। तो आपको पता है फील्ड जस्ट अंदर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है और इस तरह से है, तो फोर्स ऊपर लगेगी ना, बिल्कुल, तो फोर्स ऊपर लगेगी, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर ही कहीं ना कहीं इसकी सेंटर होगी, ये तो कन्फर्म है, जस्ट वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर या तो इधर होगी या फिर इधर होगी, वेलोसिटी ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं इसकी सेंटर डिटरमाइन होगी। जब हमने सेंटर डिटरमाइन कर लिया तो इतनी रेडियस का लेकर के इस तरह से पाथ बनाना पड़ेगा,
ऐसे, बहुत ही सिंपल सी बात है, इस तरह से वो निकल जाएगी ऐसे। अगर ये थीटा पे गई है तो इसके साथ वो थीटा पर निकल भी जाएगी, राइट। तो कितना स्पेंट करी है, तो कितनी एंगल ये रही है वो पहले निकाल लेते हैं। ये थीटा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो अच्छे से वाच करें, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टोटल एंगल ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा, या फिर ऐसे भी कर लेते हैं, ये थीटा पूरा ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो टाइम स्पेंट आपको मैंने बता रखा था, फिर भी आप देख लीजिए, अगर पूरा 2π एंगल होती है तो टी टाइम पीरियड लगाती है, तो एक अगर एंगल बनाती है तो टी बाई 2π, राइट। तो अगर थीटा एंगल अल्फा एंगल वगैरह बनाती है तो टी बाई 2π इंटू अल्फा, यही टाइम होता है ना। तो टाइम पीरियड तो उन्होंने दे रखा है 2πm/3b/2π, और ये अल्फा कितनी बना रही है, तो अल्फा का मतलब ये वाली एंगल, राइट। तो ये वाली एंगल नहीं बल्कि ये पूरी एंगल, ठीक है ना। मैंने ये वाला एंगल जरूर निकाला, लेकिन हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये चल तो ऐसे रही है तो एंगल तो ये वाला निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, ये तो हो गई 360, यानी कि 2π में से पाई माइनस थीटा, 2π में से पाई माइनस थीटा, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी पाई प्लस थीटा हो जाएगा ये। सो दिस इज व्हाट, पाई प्लस थीटा, ये बस एंगल देखना है आपको। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम बाई क्यू बी पाई प्लस थीटा, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। या अगर हम इसे बनाना चाहे तो बहुत ही सिंपल तरीके से भी सोच सकते हैं, टाइम पीरियड के टर्म में करें तो टी बाई 2π, सॉरी गाइज, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, सॉरी हमने गलत किया यहाँ पे, ये थीटा के जगह पर एक्चुअली 2θ होता है ना, राइट, पहले ही गलत कर दिया मैंने, ये थीटा थीटा 2θ, 2θ पाई में से 2θ कटाएंगे तभी तो ये एंगल आएगी, तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे होना चाहिए था 2θ, ये हो जाएगा 2θ, राइट। सो ये 2θ हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर करना चाहते हो तो ये आंसर हो जाएगा, टाइम पीरियड के टर्म में करना चाहते हो तो ये टाइम आ जाएगा, देखिए टी बाई 2 पाई, और अल्फा इज व्हाट, पाई प्लस 2θ। सो दिस इज योर राइट आंसर, सो थर्ड इज द राइट आंसर, क्लियर है गाइस। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स ई नॉट आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक्स डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड माइनस के डायरेक्शन में है। पहले तो इसे हमें एक फोटो में डिपिक्ट करना चाहिए चीज़ों को, और ये z है, तो x में इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है और इसकी वैल्यू e नॉट i कैप, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड माइनस k कैप, ठीक है। तो x, y, z ऊपर है तो जस्ट अंदर की तरफ होगी उल्टी डायरेक्शन, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, सो b इज द inside of the plane of paper. Its velocity at x30 is 4i plus 3j. एक particular location है जहाँ की velocity के बारे में बात करी जा रही है, x30, right? And what is x? वो समझना है हमें, तो x30 का मतलब होता है, 0 का मतलब z0 है, मतलब xy plane की बात हो रही है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, origin से फेंका गया है। अब सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फेंका गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो किधर जाना चाहेगी, इस तरीके से जाना चाहेगी, किधर जाना चाहेगी, वो एक्स में दौड़ना चाहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगेगी ऐसे, ठीक। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है, ऐसे मूव करेगी तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये ऊपर भी उस पर फोर्स लगने लगेगा, तो धीरे धीरे उसका पाथ कुछ इस तरीके का हो जाएगा, क्लियर है, धीरे धीरे इसका पाथ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। सर्कुलर, पूरी सर्कुलर नहीं होगी, सर्कल होगी लेकिन इस इधर के वजह से थोड़ा सा इस साइड में ये खिंचाता रहेगा, तो थोड़ा सा इस तरह से कर्व जैसा पाथ इसका होगा। तो यही बोला गया है कि किसी खास जगह पर इसकी जो वेलोसिटी देखी गई है, अगर आप अच्छे से बात करें तो वो वेलोसिटी देखी गई है इस जगह पर कहीं पे, और वो देखी गई है 4i+3j, ठीक है, और किस लोकेशन पे है, तो x30 यानी x पे x है
ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ एक्स 3 0, यानी ये कहाँ पे है, वाई पर कितनी दूरी पे है, 3 पे, और यहाँ पे एक्स, यही चीज़ बोला गया है। तो आपसे ये बस ये पूछा गया है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बस एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब एक बात समझिए, ये सवाल बहुत ही ट्रिकी सवाल है, ठीक है, इस सवाल में ऐसे बहुत कुछ खास नहीं है, ट्रिकी सवाल है। कैसे ट्रिकी सवाल है, ध्यान सुनिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द टोटल वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, मतलब उस सिस्टम में जितनी भी फोर्सेस लग रही है, टोटल वर्क उसके द्वारा जो होगी किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पे, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, राइट। अब यहां से पार्टिकल तो रेस्ट से गई है तो इनिशियल स्पीड तो जीरो होगी, और यहां की फाइनल स्पीड की मैं बात करूं, अगर इनिशियल की बात करूं तो जीरो, फाइनल की बात करूं तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25, विच इज 5, राइट। तो ये वेलोसिटी उसकी हो गई, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाई दो फोर्सेस है वहां, इलेक्ट्रिक फोर्स है और वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स है, दो तरह की फोर्स है, ठीक है, और दोनों के द्वारा जो नेट वर्क होगी वो होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है, एक्स में, राइट, तो उसके द्वारा फोर्स और उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अब एक्स में फोर्स लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो एक्स में देखेंगे, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट बोली गई है एक्स, सो फोर्स, फोर्स का जगह पर क्यू टाइम्स ऑफ ई नॉट, क्यू टाइम्स ऑफ ई नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो ये वर्क डन हो गई किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई वर्क नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, और जिधर वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगी, यानी हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो देयर इज नो बर्डन, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, सो थीटा ही 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई वर्क नहीं होगी। और बी टू की बात करें तो 5 की स्क्वायर 25, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25 m/2 qe0, अगर कैपिटल क्यू लिखे तो, तो यही होना चाहिए एक्स का वैल्यू। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ट्रिकी क्वेश्चन है बस, यस वही है, 2 इज द राइट आंसर, स्मॉल क्यू ही करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं, बढ़िया सवाल है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 mC एंड मास 2 g इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 m/s इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 tesla, देन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, ध्यान से देखें, अगर मैं चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो उसकी वैल्यू है 1 × 10⁻³ coulomb, और मास की बात करें तो 3 × 10⁻³ kg, ग्राम में है सर, kg में कन्वर्ट कर लिया, और स्पीड की मैं बात करूं तो वो है 5 m/s, और बी की बात करें तो 0.5 tesla। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, तो जब फोर्स मैक्सिमम होगी तभी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और फोर्स मैक्सिमम कब होगी, फोर्स का फॉर्मूला होता है qbv sin थीटा, राइट, और ये एफ को मैक्स होने के लिए वेरिएबल तो यहाँ है थीटा, थीटा ही हम बदल सकते हैं, तो ये मैक्स हो जाएगा, और मैक्स वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा 1 होती है जब थीटा 90 डिग्री डालते हैं, तो एफ की मैक्स जो वैल्यू होगी वो क्यू बी वी होगी। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, सो क्यू बी वी बाई एम, राइट, सारे डेटा को फटाफट डाल देते हैं, क्यू है 1 × 10⁻³, बी की बात करें तो 0.5 tesla, और वी की बात करें तो 5 m/s, और मास की बात करें तो 2 × 10⁻³, ये दोनों कैंसिल, सो दिस इज 2.5 होगा बाई 2, इतना m/s². सो 1.25 इज द राइट आंसर, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लगाते हैं। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ ए स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाई मास रेशियो, क्यू बाई एम रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, मेंशन है इसमें चार्ज पर यूनिट मास 0.2 coulomb/kg हैज वेलोसिटी, डेटा पहले लिखते चलते हैं ज्यादा बेटर होगा, क्यू बाई एम रेशियो दे रखा है 0.2 coulomb/kg, राइट, एंड उसकी वेलोसिटी दे रखी है 2i-3j m/s में, किसी इंस्टेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, किसी इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, और वो ये ऐसा है, तो एक्सेलरेशन पूछा गया है आपसे,
राइट। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एफ इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी, क्यू हमें पता है। और एक्सेलरेशन अगर निकाल लें, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, क्यू बाई एम, जिसका वैल्यू डायरेक्ट मेंशन है, राइट। सो क्यू बाई एम रेशियो आपको पता है 0.2, और भी आपको पता है विच इज 2i-3j, क्रॉस करा लेना है बी के साथ विच इज 5i+2j, राइट। अब क्रॉस कराने आप सब लोगों को आता ही होगा, बहुत ही आसान होता है, आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से ये 2-3 0 5 2 0, इस तरीके से कर सकते हैं, और इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा। आप खुद से कर लें क्योंकि ये सब आपको करने आता है। तो गाइज आज के डेट में हम लोग इतना ही रखते हैं, अब जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से आगे बढ़ेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, जैसे नीट में पूछे जाते हैं, जस्ट उसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए गए। मिलते हैं गाइज जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।